नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। 20 अगस्त को प्रयागराज की एक महिला उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग यानी UPSSC फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई। चेकिंग से बचने के लिए उसने एक इलेक्ट्रिक डिवाइस को अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा रखा था। ATM कार्ड की तरह दिखने वाली इलेक्ट्रिक डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्ट थी, जिसकी मदद से वह नकल कर रही थी। पिछले 6 महीनों में बड़ी परीक्षाओं में नकल के 12 से ज़्यादा बड़े मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी में नकल तो ब्लूटूथ से ही होती है, लेकिन इनके तरीके अलग थे। किसी ने चिप को कान में छिपा रखा था तो किसी ने मास्क में। यूपी के 3 बड़े जिले लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर में इन डिवाइसेस से जुड़ी पड़ताल में वहां की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानों के टेक्निकल एक्सपर्ट ने बताया, नकलची गैंग 5 डिवाइसेस के जरिए नकल कराता है। प्रयागराज के इंदिरा भवन में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मालिक ने नाम ना लिखने की शर्त पर बताया कि परीक्षा में नकल कराने वालों के गिरोह होते हैं। ये स्टूडेंट को पास कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके लिए ये 3 सबसे आसान तकनीकी तरीके अपनाते हैं। ये तरीके GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस पर आधारित होते हैं। यह ATM कार्ड की तरह दिखता है। इसके इनबिल्ट एम्पलीफायर में सिम इंसर्ट की जाती है और मक्खी के आकार का ब्लूटूथ स्पाई ईयरपीस इससे कनेक्ट होता है, जो कि स्टूडेंट के कान के अंदर फिक्स किया जाता है। नकल कराने वाले ग्रोह का सदस्य एग्जाम सेंटर से 100 से 150 मीटर की दूरी पर बैठा होता है और फिर वहां से एक एक कर सभी सवालों के जवाब बताता है। इसी तरह नकल माफिया GSM पेन, GSM बॉक्स का प्रयोग भी करता है। लखनऊ के हजरतगंज में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ठीक करने की दुकान चलाने वाले अजय ने ऑफ द कैमरा बताया, हमारे पास बाजार में उपलब्ध माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइसेस की डिमांड लगातार रहती है। आजकल एग्जाम के दौरान बाजार में उपलब्ध डिवाइसेस को पकड़ा जाने लगा है और अब नकलची गैंग डिवाइसेस के साथ छेड़छाड़ करके उनको नए तरीके से इंस्टॉल करने लगा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए कबीर न्यूज़ के साथ।